स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बाल साधना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी चैप्टर 24 ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, हिंदी में कहेंगे मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र में टॉपिक वर्किंग ऑफ हार्ट, हिंदी में कहेंगे हृदय की कार्य प्रणाली का अध्ययन करेंगे। वंस अगेन, बाल साधना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी चैप्टर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ वुमन के टॉपिक वर्किंग ऑफ हार्ट, हृदय की कार्य प्रणाली का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में हमने हृदय की संरचना का अध्ययन किया था। आज हम कि हृदय प्रॉपर रूप से कैसे फंक्शन करता है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट है टॉपिक वर्किंग ऑफ हार्ट, हिंदी में कहेंगे हृदय की कार्य प्रणाली। स्टूडेंट्स, मानव का जो हृदय है वो मायोजेनिक प्रकार का है, पेशी जन्य है। मानव का हृदय मायोजेनिक हिंदी में कहेंगे पेशी जन्य प्रकार का है, अर्थात हृदय पेशीय पंप की तरह कार्य करता है, तरह कार्य करता है। देखो, पंप का अर्थ है संकुचन व अनुस्थिलन। संकुचन का अर्थ है कॉन्ट्रैक्ट होना, अनुस्थिलन का अर्थ है हृदय का फैलना। फैलने का अर्थ है उसमें ब्लड आएगा, संकुचन से ब्लड बाहर की ओर पंप होगा और फैलने पर हृदय में ब्लड आता है। देखो, नेक्स्ट है हृदय का कार्य या हृदय का कार्य मुख्यतः आलिंद ओरेकल कहेंगे इंग्लिश में, वनीले वेंट्रिकल के लयबद्ध रिदमिक बोलेंगे, एक निश्चित समय के पश्चात बोल सकते हो रिदमिक, इंग्लिश में बोलेंगे रिदमिक संकुचन एवं विश्रांति में संपन्न होता है। ये तो सामान्यतः इसका हम लेंगे कि सामान्य हृदय की क्रिया विधि का जब परिचय के रूप में हम ले रहे हैं तो मानव का हृदय किस प्रकार का है, किस रूप में कार्य कर रहा है, मायोजेनिक प्रकार का है, कैसे कार्य करेगा, या तो उनमें संकुचन होंगे यानी रुधिर या ब्लड हृदय से बाहर पंप होगा यानी संपूर्ण देह में, और जब इस अवस्था में आएगा यानी फैलेगा उस समय हृदय के विभिन्न भागों से ब्लड हृदय में पहुंचता है। देखो, नेक्स्ट है हृदय की कार्य प्रणाली
को दो भागों में विभक्त किया जाता है, विभक्त किया जाता है। फर्स्ट है हार्ट बीट, इसे हिंदी में कहेंगे हृदय स्पंदन। सेकंड है कार्डियक साइकिल, इसे कहेंगे हृदय चक्र। फर्स्ट है इसमें हार्ट बीट, हृदय स्पंदन। देखो सामान्य अर्थ है पहले कि हार्ट बीट से क्या अभिप्राय है, यह हार्ट बीट किसे कहते हैं, हृदय के लयबद्ध यानी रिदमिक एक निश्चित क्रम में लयबद्ध संकुचन को हार्ट बीट या हृदय स्पंदन कहते हैं। फर्स्ट ये, दूसरा है ये जो रिदमिक संकुचन है वो एक सिस्टम द्वारा होता है, उसे कंडक्टिंग सिस्टम कहते हैं। ये बोल सकते हैं हार्ट में मसल्स या पेशियों के लयबद्ध यानी रिदमिक लयबद्ध या रिदमिक संकुचन के लिए लयबद्ध आवेग इंपल्स उत्पन्न करने वाला तंत्र पाया जाता है यानी सिस्टम पाया जाता है। कहने का अर्थ है कि मानव का हृदय में जो कॉन्ट्रेक्शन प्रक्रिया यानी जब संकुचित होगा वो प्रक्रिया एक विशेष प्रकार के सिस्टम द्वारा संपन्न होती है, उसे कंडक्टिंग सिस्टम कहते हैं, चालन तंत्र। वो भी कब संपन्न होगा, जब ऐसे नोड से विशेष प्रकार का इम्पल्स उत्पन्न होता है, आवेग उत्पन्न होता है या संकुचन की तरंग वहीं से उत्पन्न होती है, फिर वहाँ से अलिंदों की भित्ति में जाती है, अलिंदों की भित्ति से एवी नोड में आती है, फिर हिज के मंडल में आती है, फिर नीलों की भित्ति में आती है। एक वंस अगेन तंत्र पाया जाता है जिसे कंडक्टिंग सिस्टम कहते हैं, कंडक्टिंग सिस्टम कहते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, चालन तंत्र, चालन तंत्र कहते हैं। अब देखो चालन तंत्र में कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, ये बिंदु ध्यान में भी रखना है। यानी जैसे इंपल्स होगा, हार्ट कब कॉन्ट्रैक्ट होगा, कब अनुस्थिलन दर्शाएगा, वो कौन कौन सी रिदमिक उसमें परिवर्तन होंगे, कौन कौन से उसके पार्ट्स में रिदमिक चेंजेज होंगे, तो चालन तंत्र का निर्माण ऐसे नोड साइनो इरेगुलर नोड या इसे पेसमेकर भी कहते हैं। वंस अगेन पेसमेकर, सेकंड है अंतर पर्व संधि तंतुओं, नेक्स्ट है एवी नोड, नेक्स्ट है हिज का बंडल। नीलों की भित्तियों में विशेष प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, उनका समूह कहलाता है हिज का बंडल, एवं ये आपस में जुड़कर हिज का बंडल क्या बनाते हैं, परकिंजे तंत्र बनाते हैं।
परकिंजे तंतु मिलकर करते हैं। Once again, हृदय कैसे काम करेगा, कैसे ऑपरेट होगा, यानी कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसके लिए दो प्रकार के इसमें सिस्टम पाए जाते हैं। विशेष प्रकार का एक सिस्टम पाया जाता है, उसे कंडक्टिंग सिस्टम कहते हैं, चालन तंत्र कहते हैं। उस चालन तंत्र में ऐसे नोड, पेसमेकर भी कहते हैं इसे। सेकंड है अंतःपर्व संधि तंतु, या इसे बोलते हैं इंटर नोडल फाइबर्स, एवी नोड दाया अलिंद में भी है। ये दोनों नीलों की भित्तियों में पाए जाने वाले हैं, जो हिजगा बंडल है, वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया। ये आपस में संयुक्त होकर एक तंतु या सिस्टम बनाते हैं, उसे परकिंजे सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आवेग का संचरण। हृदय या हार्ट्स में ओरेकल व वेंट्रिकल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कैसे अनुस्थिलन होते हैं, ध्यान ये रखना है। दोनों ओरेकल, लेफ्ट व राइट ओरेकल, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक साथ ही अनुस्थिलन दर्शाता है, नहीं फैलते हैं। इसी प्रकार दोनों वेंट्रिकल्स, लेफ्ट व राइट वेंट्रिकल, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे, दोनों ही साथ में अनुस्थिलन दर्शाते हैं, पेड़ अवस्था में दर्शाते हैं। दोनों आलिंद एक साथ संकुचन दर्शाएंगे, या जब विस्तृत होंगे या अनुस्थिलन दर्शाएंगे तो भी एक साथ दर्शाते हैं। इसी प्रकार नीले भी एक साथ। तो आवेग का संचरण ये, ऐसे नोड पेसमेकर से उत्पन्न होगा, यहां से अंतर पर्व संधि तंतु, इसे बोलेंगे इंटर नोडल फाइबर्स, नीलियों आलिंदों की भित्तियों में पाए जाते हैं ये अंतर पर्व संधि तंतुओं से इंपल्स को एवी नोड द्वारा ग्रहण किया जाता है, यहां से हिज का बंडल ग्रहण करता है, और यहां से पुरकिंजे तंत्र द्वारा ग्रहण किया जाता है। यानी ये नीलों की में कहां उपस्थित है, ये वेंट्रिकल में, नीलों में ये कहां है, ओरेकल में, आलिंदों में। इस प्रकार ये प्रक्रिया संपन्न होती है। अब देखो नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य में हार्ट बीट कितनी होती है। सामान्यतः हृदय स्पंदन पर मिनट कितनी होती है। नेक्स्ट है हार्ट बीट इन नॉर्मल हुमन। नॉर्मल हुमन का अर्थ है एक स्वस्थ मनुष्य में, यानी जिसमें हृदय से संबंधित विकार नहीं है, उसमें होती है 72। परंतु अगर हम 12th की बुक के अनुसार देखें, 72 से 80 प्रति मिनट। यदि किसी व्यक्ति में हृदय इतनी बार स्पंदन प्रक्रिया दर्शा रहा है, तो वो व्यक्ति में सामान्यतः हृदय स्पंदन से संबंधित विकार नहीं है। नेक्स्ट है SAN कहां उपस्थित होता है, दायां अलिंद में है, हृदय की गति निर्धारक, पेस मेकर का कार्य करता है। ये भी पूछा जा सकता है कि पेस मेकर अन्य किसका नाम है, ऐसे नोड का, ऐसे नोड को अन्य किस नाम से जाना जाता है, पेस मेकर, क्योंकि इंपल्स यहीं से प्रारंभ होता है। देखो नेक्स्ट पार्ट है कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र बोलेंगे इसे। पहले हार्ट बीट की तरह इसकी डेफिनेशन, हार्ट बीट की डेफिनेशन ली थी अपन ने अभी। हृदय के लयबद्ध संकुचन को हृदय स्पंदन कहते हैं। इसी प्रकार हृदय में एक स्पंदन प्रारंभ होने से लेकर अगले स्पंदन के प्रारंभ होने तक हृदय के विभिन्न भागों, यानी आलिंदों व नीलों
में होने वाले परिवर्तनों के क्रम को हृदय चक्र कहते हैं। वंस अगेन, हृदय के एक स्पंदन यानी जो आप एक मिनट में कितने किए हैं, 72 से 80, एक स्पंदन प्रारंभ होने से लेकर अगले स्पंदन के प्रारंभ होने तक हृदय के विभिन्न भागों में, भागों का अर्थ है आलिंदों व नीलों में होने वाले परिवर्तनों के क्रम को हार्ट साइकिल कहते हैं या कार्डियक साइकिल कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, हृदय चक्र। देखो वंस अगेन, हृदय के एक स्पंदन के प्रारंभ होने से लेकर अगले स्पंदन के प्रारंभ होने तक हृदय के विभिन्न भागों में जो भी चेंजेज होंगे, जो भी परिवर्तन होंगे, उनके सीक्वेंस को कहते हैं। ध्यान ये रखना है, टाइमिंग ऑफ कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र का जो टाइमिंग है वो 0.8 सेकंड है, ये भी अच्छा बिंदु है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है फेजेज और फेज ऑफ कार्डियक साइकिल कि जो क्रमिक परिवर्तन होंगे, एक निश्चित क्रम में जो परिवर्तन होंगे वो 4 प्रावस्थाओं में संपन्न होते हैं, मोस्टली 4 फेजेज ऑफ कार्डियक साइकिल, एक निश्चित क्रम में होंगे सभी, एक निश्चित टाइमिंग भी होगा यदि हृदय से संबंधित विकार नहीं है तब। फर्स्ट फेज है इसमें एट्रियल डायस्टोल, हिंदी में कहेंगे इसे आलिंदों का अनुस्थिलन, अनुस्थिलन का अर्थ फैलना, सेकंड जो फेज है वो है एट्रियल सिस्टोल, इसके बाद की घटना या इसके बाद की फेज है आलिंदों का प्रकुंचन, संकुचन को ही बोलते हैं प्रकुंचन भी। थर्ड है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसे बोलेंगे नीलियों का प्रकुंचन। फोर्थ है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, नीलियों का अनुस्थिलन, ये मुख्यतः 4 फेजेज हैं। फर्स्ट है एट्रियल सिस्टोल, नेक्स्ट है एट्रियल डायस्टोल, सेकंड है एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, थर्ड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इस सिस्टोल का अर्थ है संकुचित होना, इसका अर्थ है अनुस्थिलन का अर्थ है फैलना, यानी इसमें तो ब्लड बाहर पंप होगा सिस्टोल के दौरान, यहाँ से आलिंदों से बाहर पंप होगा यानी नीलों में जाएगा, यदि नीले संकुचित होंगे तब बाहर निकलेगा, एक लंग्स में लेकर जाएगी पल्मोनरी एओर्टा, दूसरा केरोटिक को आर्टरीज तक पहुंचाता है, इसका अर्थ है नीलों का फैलना, इसका अर्थ है आलिंदों का संकुचित होना। इसमें जो टाइमिंग हम पढ़ेंगे वो 0.7 सेकंड होता है।
स्वस्थ मनुष्य में एट्रियल डायस्टोल यानी दोनों आलिंद एक साथ फैलने में जो समय लगाएंगे, यानी उनमें जो ब्लड आ रहा है एक में प्योर आएगा एक में इम्प्योर आएगा, वो उतने समय में संपन्न होगा। सेकंड है संकुचन में है 0.1 सेकंड। वेंट्रिकुलर डायस्टो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में संपन्न होगा 0.3 सेकंड और वेंट्रिकुलर डायस्टोल में होगा 0.5 सेकंड। अगर हम दोनों नीलों की बात करें केवल नीलों की तो 0.8 सेकंड, दोनों एट्रियल या ओरेकल की बात करें तो 0.8 सेकंड। कहने का अर्थ है हृदय साइकिल जो कि एक हृदय स्पंदन के प्रारंभ होने से लेकर अगले हृदय स्पंदन के प्रारंभ होने तक विभिन्न हृदय के विभिन्न भागों में जो भी चेंजेज हैं, ये विभिन्न भाग हैं, दोनों पार्ट हैं एट्रियल और वेंट्रिकल, कभी वो सिस्टोल दर्शा रहे हैं कभी डायस्टोल, उसमें जो भी परिवर्तन होंगे कर्मिक उन्हें कार्डियक साइकिल कहते हैं। इसमें 0.8 सेकंड का समय लगता है, एट्रियल में भी इतना लग रहा है दोनों आलिंदों के संकुचन में अनुस्थलन दोनों में, नीलों में ये कभी संकुचित होंगे कभी अनुस्थलन होंगे तभी 0.8 सेकंड लगता है, यानी एक स्वस्थ मनुष्य में कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में संपन्न होता है। इसमें भी डायस्टोल में अनुस्थलन में फैलने में अधिक समय लगता है, नीलों में इतना लग रहा है आलिंदों में लग रहा है 0.7 सेकंड। नेक्स्ट डैम कार्डियक साइकिल की जो भी फेजेज हैं जैसे एट्रियल डायस्टोल है एट्रियल सिस्टोल है वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, एक तो स्टूडेंट्स ये सीक्वेंस में संपन्न होती हैं। नेक्स्ट डे फिगर से इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।